अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। थ्री पॉइंट नाइन लर्निंग लेटर्स यूनिट थ्री पेज नंबर 44। लुक एट द पिक्चर इन सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स नेम। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है कि आपको पिक्चर देखना है, जो तस्वीर आपके सामने आई है उसको देखना है और इन सर्कल द फर्स्ट लेटर उस तस्वीर का जो नाम है और उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है, पहला हरूफ है, उसको हमको करना है इन सर्कल, यानी सर्कल करना है, उसके इतराफ में एक दायरा बनाना है ऑफ द पिक्चर्स नेम। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो तस्वीर देखो और उस तस्वीर का नाम जिस लेटर से शुरू होता है उसको हमको सर्कल करना है, उसको दायरा, उसके इतराफ में दायरा बनाना है, ठीक है ना? चलिए फिर ये कौन सी तस्वीर आई प्यारे बच्चों? क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑरेंज। यस, और ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है? ORANGE। और ऑरेंज जो कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है प्यारे बच्चों, उसको हम सर्कल करेंगे, क्या है? ओ, ओ फॉर ऑरेंज। वेरी गुड, तो ऑरेंज हम इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे, है ना? ऑरेंज, और तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? फर्स्ट लेटर ओ है ना? और यहां हम ढूंढेंगे तो ये ओ है, इसको हमने क्या कर दिए? सर्कल। अब हम देखेंगे हमारे सामने किस चीज की पिक्चर आ रही है। ये क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज पेंसिल, इसे हम लिखते हैं ना? आप लोग लिखते हो ना नोटबुक में? हाँ, तो पेंसिल जो है, अब यहाँ आ गए अल्फाबेट्स MOBP। और पेंसिल की स्पेलिंग क्या है प्यारे बच्चों? क्या है ये? PENCIL, तो पेंसिल। अब जो ये पेंसिल है उसका नाम इस तरह हमने लिखे। अब पेंसिल जो है कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? तो फर्स्ट लेटर ये है, ये, और ये कौन सा लेटर है? पी, पी फॉर पेंसिल, तो पी फॉर पेंसिल। और यहां हमको ढूंढना है पी, ये पी है? नहीं, ये पी है? नहीं, ये पी है? नहीं, तो ये पी है। वेरी गुड, तो
पेंसिल का फर्स्ट लेटर क्या है? पी है, और हमने पी को क्या कर दिया है? इनसर्कल। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आप कौन सी चीज की तस्वीर आ रही है हमारे सामने? ओहो, कौन है ये? क्वीन। देखो, रानी, मलिका, क्वीन आ गई है हमारे सामने। और ये आ रहे हैं अल्फाबेट्स YHTQ, है ना? और क्वीन किस तरह से हम लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, QUEEN। तो क्वीन, अब क्वीन का जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है? ये है। और ये कौन सा लेटर है? क्यू। तो क्वीन, ये जो पिक्चर है वो क्वीन है। तो ये जो पिक्चर है वो क्वीन है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? क्यू। और हमको क्यू को ढूंढ कर यहाँ इनसर्कल करना है, और हमने ढूंढ लिया है। बिल्कुल सही, हमने क्यू को इनसर्कल कर दिया है। तो क्वीन, क्वीन का फर्स्ट लेटर है क्यू। आगे बढ़। अब किस चीज की तस्वीर आ रही है? यस, रैबिट। अल्फाबेट्स हमारे सामने आ चुके हैं, ROSV। और रैबिट हम लिखते हैं इस तरह से, RABBIT। तो रैबिट, और रैबिट का जो पहला लेटर है वो ये है, और हमको ये कौन सा लेटर है प्यारे बच्चों? R। वेरी गुड। अभी हमको R यहाँ ढूंढना है और उसको इनसर्कल करना है। क्यों? क्योंकि जो ये रैबिट है उसका पहला लेटर R है, है ना प्यारे बच्चों? हम सर्कल कर रहे हैं R को। वेरी गुड, हमने R ढूंढ लिया है और उसको इनसर्कल भी कर दिया है। वेरी गुड। अब कौन सी तस्वीर आ रही है हमारे सामने? यह है सन, सन यानी सूरज। और यहाँ लेटर्स आ रहे हैं हमारे सामने, USBF। ये सारे लेटर्स आ गए हैं, और सन को किस तरह लिखा जाता है? SUN, सन। और सन का जो पहला लेटर है वो ये है, और ये कौन सा लेटर है मेरे बच्चों? यस, ये है S। और यहाँ हमको S ढूंढना है, तो और उसको ढूंढकर इनसर्कल करना है, क्योंकि जो सन है वो इस तरह से लिखा जाता है, और इसका फर्स्ट लेटर है S, और S को हमको ढूंढकर इनसर्कल करना है, और हमने कर दिया है। यस, बिंगो। अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी चीज की तस्वीर है? ट्री है, दरख्त, है ना? और अब हमारे सामने आ रहे हैं लेटर्स OBTQ। और ट्री किस तरह से लिखा जाता है प्यारे बच्चों? इस तरह से ट्री लिखा जाता है, TREE, ट्री। और ट्री का जो पहला लेटर है वो है T। तो हमको यहाँ वो T तलाश करना है। ये ट्री है, और ट्री को इस तरह से लिखते हैं हम, और इसका पहला लेटर है T। और हम यहाँ से इसको ढूंढ कर इनसर्कल करेंगे। तो हमने ढूंढ लिया है और इनसर्कल कर दिया है। बिंगो। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेस एंड राइट द फॉलोइंग लेटर्स। यहाँ हमको एक एक्टिविटी करना है प्यारे बच्चों। ट्रेस एंड राइट द फॉलोइंग लेटर्स, हमको ट्रेस करना है, क्या करना है? हाथ फेरना है लेटर्स पर, और फिर उसको लिखना भी है। तो चलिए, यह है ऑरेंज, इसका फर्स्ट लेटर है ओ, स्मॉल बिग लेटर एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, हमको इस तरह से लिखना है। तो पहले हम ट्रेस करेंगे इस तरह से। ये हमारे सामने ओ है, इसको हम इस तरह से ट्रेस करेंगे,
और ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी गई है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रेस करना है, ठीक है ना। और इसके बाद है पेंसिल, और पेंसिल का पी, बिग लेटर एंड स्मॉल लेटर, और हमको क्या करना है, ट्रेस करना है इस तरह से। ट्रेस करना है पहले एक सीधी लाइन, फिर इस तरह से हाफ सर्कल, है ना। इस तरह से आप लोग भी ट्रेस करेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे भी। इस तरह से आपको लिखना भी है, ठीक है मेरे बच्चों। क्वीन, और इसका फर्स्ट लेटर है क्यू, और ये बिग लेटर और ये स्मॉल लेटर। अब हमको इसको ट्रेस करना है, किस तरह से हम ट्रेस करेंगे, इस तरह से हम इसको ट्रेस करेंगे, इस तरह से। हमको क्या करना है, ट्रेस करना है। ये है रैबिट, इसका फर्स्ट लेटर है आर, और हम इसको इस तरह से ट्रेस करेंगे। आपको भी करना है, आपकी नोटबुक में ये एक्टिविटी दी गई है प्यारे बच्चों, तो आप भी कीजिए। और इसको हम फिर हमको लिखना है क्यू आर। आगे बढ़ते हैं, सन, सन का पहला लेटर है एस, और ये है बिग लेटर और ये है स्मॉल लेटर, और हमको क्या करना है, ट्रेस करना है इस तरह से। वो क्या करना है, ट्रेस करना है एस। ये है ट्री, और ये है टी, बिग लेटर स्मॉल लेटर, और इसको हम ट्रेस करेंगे। तरह से प्यारे बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी दी गई है, तो आप भी एक्टिविटी जरूर कीजिए, बहुत मजा आएगा। फिर इसको हमको इस तरह से लिखना है एस और टी। आगे बढ़ते हैं, थ्री पॉइंट टेन, फन विथ लेटर्स। 3.10 हमको क्या करना है, खेलना है इसके साथ में, लेटर्स हुरूफ, हुरूफ पे तहजी जो होती है, इसी तरह अल्फाबेट है, लेटर्स है इंग्लिश के, उसके साथ में हमको खेलना है ना। चलिए पेज नंबर 44 की क्या करना है, ए, फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड एंड इन सर्कल देम। वो क्या करना है,
फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड। हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स जो है वो नीचे जो अल्फाबेट्स जो लेटर्स की जाल बने हुए हैं उसमें वो लेटर्स है, उसको हमको वही वर्ड्स ढूंढ कर उसको इनसर्कल करना है। वो लेटर्स उस वर्ड के लेटर्स ढूंढ कर हमको इनसर्कल करना है। यहाँ वर्ड्स आ रहे हैं, ये है M A N man Y E S yes S O R R Y sorry और ये है T A P tap यानी null Y O U यानी you यानी तुम मैन यानी आदमी यस यानी हाँ सॉरी यानी माफ करो और टैप यानी नल यू यानी तुम और ये टेबल। अब जो इसकी स्पेलिंग है एम ए एन है ना वाई एस सॉरी एस ओ डबल आर वाई सॉरी टी ए पी टैप वाई ओ यू U T A B L E table। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये एक जाल है और इसके अंदर दिए गए हैं ग्रिड यानी जाल, ये जो चौकोन बने हुए हैं है ना उसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहा है आपको S P T X T O M A N A R D P Y B R M G E L Y O U S E है ना। अब इसमें से हमको क्या ढूंढना है, ये जो मैन है M A N इसमें से वो लेटर हमको तलाश करना है और इन सर्कल करना है, ठीक है। तो M A N कहाँ है, M कहाँ है, M yes यहाँ M हमको मिल चुका है, उसके बाद A यस यहाँ भी है और एन भी है, तो हम इसको इन सर्कल कर देंगे और हमको मैन मिल गया। उसके बाद है वाई एस, अब हमको ये तीनों अल्फाबेट एक साथ ढूंढना है, ठीक है एक साथ होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। तो कहाँ है प्यारे बच्चों, ये है वाई एस, यस हमने ढूंढ लिया यस। के बाद है सॉरी सॉरी आप एस ओ डबल आर वाई एक साथ होना चाहिए, कहाँ है प्यारे बच्चों, पहले हम ढूंढेंगे एस यस मिल गया एस ओ आर आर वाई यस हमने ढूंढ लिया, हमने इनको इन सर्कल कर दिया। इसके बाद है टैप टी ए पी टैप, तो टैप कहाँ है यस टी ए पी टैप, इसको हमने इनसर्कल कर दिया। उसके बाद है वाई ओ यू, कहाँ है प्यारे बच्चों, ढूंढो ढूंढो जल्दी 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 यस 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 वाई ओ यू और हमने इनसर्कल कर दिया। उसके बाद है टेबल टी ए बी एल ई, कहाँ है यस यहाँ है और हम इसको इनसर्कल कर रहे हैं, हमने इनसर्कल कर दिया बिंगो। The child who completes the grid first shouts bingo, जिसने जिस बच्चे ने ये grid को complete कर लिया है उसको क्या करना है, shout चिल्लाना है bingo यानी हमने कर लिया। तो जो पहला करेगा वो फौरन चिल्लाएगा bingo, जिसका इसका होते जाए वो चिल्लाते जाए bingo इस तरह से, हमने ये भी task complete कर लिया। आगे बढ़ते हैं, लुक एंड से, आपको देखना है और बोलना है क्या, वन ओ एनी वन यानी एक, मैनी एम ए एन वाई मैनी यानी ज्यादा, एक और ज्यादा, एक यानी वाहिद, मैनी यानी जमा। अगर एक चीज है जैसे
एक किताब है तो किताब, मैनी तो किताबें, इस तरह से हम कहेंगे, है ना। तो इसी तरह से हमको यहां क्या करना है, वन और मेनी लिखना है। तो सामने क्या आ रहा है, स्टार, स्टार यानी तारा, एक तारा। अगर ज्यादा तारे हुए तो क्या लिखेंगे, स्टार्स, स्टार्स, इस तरह से स्टार्स, इसमें लग जाएगा एस, स्टार्स। क्या है, क्लाउड, क्लाउड बादल, और ज्यादा बादल, ज्यादा बादल है तो क्लाउड्स। इसके बाद एनिमल, एक जानवर, बहुत सारे एनिमल है तो एनिमल्स, इस तरह से हम लिखेंगे एनिमल, एनिमल्स। ट्री, एक दरख्त है, अगर ज्यादा है तो हम लिखेंगे ट्रीज। और अब आया फ्लावर, तो फ्लावर, फ्लावर, और ज्यादा है फ्लावर्स तो लिखेंगे फ्लावर्स। स्टार, स्टार्स, क्लाउड, क्लाउड्स, एनिमल, एनिमल्स, ट्री, ट्रीज, फ्लावर, फ्लावर्स। फ्रेंड, एक दोस्त है, तुम्हारे कितने दोस्त है बच्चों, एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, फ्रेंड्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स। स्पायरो, स्पायरो, स्पायरोस, चिड़िया। क्रो, कौवा, कौवे, क्रोस। पिक्चर, तस्वीर, ज्यादा है तो पिक्चर्स। टाइगर, टाइगर्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स। स्पायरो, स्पायरोस। क्रो, क्रोस। पिक्चर, पिक्चर्स। टाइगर, टाइगर्स। वन, मेनी। स्टार, स्टार्स। क्लाउड, क्लाउड्स। एनिमल, एनिमल्स। ट्री, ट्रीज। फ्लावर, फ्लावर्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स। स्पायरो, स्पायरोस। क्रो, क्रोस। पिक्चर, पिक्चर्स। टाइगर, टाइगर्स। तो हमने ये भी टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नीचे थम का निशान बनाए ना, इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, थम को क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और आपको अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों।